ओर से किया जा रहा है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन और स्वर्ण संगठन के लोग किस तरह से उनके स्वागत में यहाँ पर जुटे हुए हैं। फूलों की वर्षा यहाँ पर हो रही है और हार मालाओं के साथ यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। Thank you.
खुशी भी है। अब थोड़ा सा एक सेकंड के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस दे दो, थोड़ा गैप रखो, थोड़ा करने का चेंज, थोड़ा पीछे हो जाओ भाई साहब, थोड़ा। अब अनशन तुड़वाने की प्रक्रिया यहाँ पर जारी है, तो देखिए किस तरह से जो लोग इतने दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे उनका अनशन कैसे तुड़वाया जाएगा, क्योंकि इन लोगों की मांग थी कि जब तक रोमित ठाकुर जी बाहर नहीं आते हैं, मदन जी बाहर नहीं आते, तब तक ये अनशन ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। और अब वो दिन आ गया है कि इन लोगों का ये जो अनिश्चितकालीन अनशन था वो जाकर समाप्त होगा। यहाँ पर जूस पिलाकर, गर्मी बहुत है, जूस पिलाकर यहाँ पर लोगों का अनशन तोड़ा जा रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय से ये लोग भी लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं और जो इनकी मांग थी आज पूरी हुई है। अमूमन आपने देखा होगा कि अनशन जब कर्मचारी या फिर कोई भी लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन या फिर मंत्री लोग आकर उनका अनशन तोड़वाते हैं, लेकिन पहली बार अपने ही नेताओं द्वारा यहाँ पर अनशन तोड़वाया गया है और इन लोगों की जैसे हमारे ही लोग आकर पंडित जी के मंत्रोच्चारण भी साथ में जारी है और इन लोगों का अनशन तुड़वाने का जो कार्य है वो भी यहाँ पर जारी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब इन लोगों को रुमित भाई आगे पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मदन भाई आगे पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीपक भाई आगे पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। किसी का झंडा लाल है, वोट सके तो इस पर तो एक तो कार्रवाई का लाल है।
सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम जेलों के अंदर थे, हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में जो हमारे लोग अनशन पर बैठे रहे, भूख हड़ताल पर बैठे रहे, आप लोगों के माध्यम से जन जन तक वो आवाज़ पहुँची और आप लोगों के माध्यम से जो एक जन जागरण का अभियान बहुत बड़े स्तर पर चला है, उसके लिए मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज अभी दो दिन पहले हमारी रिहाई हुई और जिस प्रकार से कहते हैं कि सत्य ज़्यादा दिन तक छुपता नहीं और झूठ ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं, तो जो सरकार थी, ये जो भाजपा कांग्रेस वाले थे, इन्होंने जितनी कोशिशें करी, जितना प्रयास करा कि इनको दबाया जाए, इनको अंदर रखा जाए, लेकिन न्यायपालिका के ऊपर जिस प्रकार से हम सभी का जो पूर्ण विश्वास है, वो पूरा विश्वास हमारा कायम रहा। न्यायपालिका ने, न्यायाधीशों ने हमें न्याय दिया। आज हम लोग रिहाई के बाद 24 दिन बाद हम लोग आप सभी लोगों के मध्य हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश के सामने हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से बहुत लंबे अरसे से स्वर्ण समाज की ये एक बहुत बड़ी मुहिम चली है, स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर एक बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन चला है, बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया। इस हिमाचल प्रदेश में जब हम 24 दिन जब जेलों के भीतर थे, तो बहुत सारे लोगों ने अपने स्तर पर कहीं देवी देवताओं से प्रार्थनाएं करी, कहीं पर अनशन किए, कहीं पर दिन रात जो चिंता में रहे और 24 घंटे हम लोगों को बाहर निकालने के बारे में जो चिंतन करते रहे। तो आज इस मंच से जब आज हमने अपने सारे भाइयों बहनों का अनशन तोड़वाया है, मैं इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाले हर उस व्यक्ति, हर उस भाई, हर उस माता, हर उस बहन, हर उस बुजुर्ग का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने अपना पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण अपना प्यार स्नेह हमारे ऊपर बरसाया है। और आज उन देवी देवताओं के आशीर्वाद की वजह से, उन सभी लोगों के प्यार आशीर्वाद की वजह से आज सत्य की जीत हुई। हम लोग बाहर हैं और सीधे माँ शूलिनी के चरणों में, तो माँ शूलिनी के चरणों में जब हैं तो सीधे शब्दों में बात कहना चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास जिन लोगों ने किया, किन लोगों ने कितने आंसू बहाए, हमारे समाज के माताओं बहनों ने, बुजुर्गों ने, भाइयों ने, हम लोग देखते थे माँ शूलिनी के चरणों में हैं तो माँ शूलिनी अपने हिसाब से, अपने तरीके से हिसाब लेगी उन सभी लोगों से, इंसाफ करेगी, क्योंकि हम लोग सत्य की राह पर हैं, सत्य की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी, किसी के अधिकारों के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी। हम जितनी बार भी सड़कों पर उतरे, हर बार अपने अधिकारों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम सड़कों पर उतरे। कभी किसी को नीचा दिखाने, कभी किसी को गिराने की नीयत से हम लोग सड़कों पर नहीं आए। इस हिमाचल प्रदेश के सारे लोग जानते हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद जो हमारे साथ साक्षात रहा, वो इस बात का प्रमाण है कि हम लोगों के साफ दिल की वजह से हम लोग आज जनता के बीच में हैं। एक एक आंसू का बदला लेंगे। रुमित जी, अंदर से आप लोग, आपके कुछ कार्यकर्ता भी आपके साथ अंदर थे, क्या आपको लगा था कि आपका ये जो समाज, जिन लोगों को आपने अपने साथ जोड़ा है, क्या वो इतने लंबे समय तक आपके रिहाई की मांग के लिए बैठे रहेंगे? जी देखिए, जहाँ पर बात समाज की आती है, तो हमारा समाज एक मजबूत कड़ी है और ये जो समाज है, यही तो हमारी ताकत है। अगर आज ये समाज हमारे साथ खड़ा है, तो आप इस दुनिया की सबसे बड़ी जंग जो इस दुनिया में जो कही जाती है, ये समाज हमारे साथ खड़ा है, वो जंग भी हम लोग जीत जाएंगे। उस जंग को जीतने में भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत है ये लोग। जिन लोगों ने अपने आंसू बहाए, जिन लोगों ने अपनी जेबों से पैसा खर्च के अपना घर परिवार, अपना काम धंधा, अपना घर बार छोड़ के जो दिन रात सड़कों पर रहे, दिन रात चिंता में रहे, इनसे बड़ी ताकत हमारी क्या हो सकती है? यहाँ तो 10-12-14 दिन भूख हड़ताल लगी और मुझे लगता है कि अगर 100 दिन भी चलनी होती तो 100 दिन में भी संख्या बढ़ती जाती, एक बंदा भी घटता नहीं। जी देखिये, बात अब
जब लड़ाई को आगे बढ़ाने की है, हमारा समाज हमारे साथ खड़ा है। जिस भी स्तर पे आगे लड़ाई को बढ़ाना है, उस स्तर पे आगे लड़ाई को बढ़ाएंगे। जिस भी स्तर पर जाना पड़ेगा, कदम पीछे नहीं हटाएंगे, मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों ने आज तक समाज के साथ धोखा, भेदभाव किया, भेदभाव की राजनीति करी, जिन्होंने आज तक जाति के नाम पर राजनीति करी, ये समाज हमारा, क्योंकि हमारा जो स्वर्ण समाज है, हमेशा से ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने जाति पाति से ऊपर उठ के लड़ाइयाँ लड़ी, बलिदान दिए। चाहे हमारी महिलाएं, हमारी नारी शक्ति हो, चाहे हमारे वीर योद्धा हो, हम लोगों ने कभी जाति धर्म देखकर हम लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी। और अब आगे भी जिस भी स्तर पर लड़ाई लड़ने का अब हम लोगों को आगे आवश्यकता पड़ेगी, हम लड़ेंगे। हमने पहले भी कहा कि अब ये जो लोग हैं भाजपा कांग्रेस वाले, जिस पिच पे ये क्रिकेट खेलते हैं, उसी पिच पे क्लीन बोल्ड करेंगे इन लोगों को। अभी भी आपके इलेक्शन लड़ने और जो बात की गई थी वो जारी रहेगी। जी देखिए, बात सीधी सी है कि जब लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात चलती है तो साम दाम दंड भेद हर चीज से लड़ाई लड़ी जाती है और जीती जाती है। और इस लड़ाई को जीतने के लिए हम लोगों को जो भी तरीका अपनाना पड़ेगा वो तरीका हम लोग अपनाएंगे। जिस जो इन लोगों ने करना था इन लोगों ने कर दिया। भाजपा कांग्रेस की सरकारों ने इतने दिनों में भाजपा कांग्रेस कोई भी राजनीतिक दल का एक व्यक्ति ऐसा सामने नहीं आया जिसने कहा हो कि नहीं इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इन लोगों की जो मांग है वो मांग इन लोगों की नाजायज है, हम लोग जायज मांग के लिए जब चले। जब ये भाजपा कांग्रेस वालों ने तो इन लोगों ने तो प्रमाणित कर दिया कि ये लोग स्वर विरोधी हैं, ये लोग हमारे है ही नहीं। अगर ये हमारे होते तो जिस प्रकार से ये लोग भी सड़कों पर आते हमारे लिए, कौन ऐसा भाजपा कांग्रेस, कौन सा ऐसा राजनीतिक दल का आदमी ऐसा रहा जो सड़कों पर आकर, जिसने मुख्यमंत्री के सामने, जिसने इन सरकारों के सामने ये बात कही हो कि इन लड़कों को, इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इन लोगों को रिहाई मिलनी चाहिए। सारे के सारे लोग मुंह छुपाकर बैठ गए कि भैया स्वर्ण समाज की बात करना वोट बैंक को खत्म करने के बराबर है। तो आपके मीडिया के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि वो अपने आप को संभाल ले, हमारे आंधी तूफान सुनामी बन के रोक सको तो रोक लो, और अगर संभल सकते हो तो संभल जाओ। अपने आप को बचा सकते हो इस आंधी में उड़ने से तो बचा के दिखाओ, हमारी खुली चेतावनी। जैसा कि बात की जा रही है कि स्वर्ण समाज दो पार्ट हो गया, क्या ऐसा है या अभी भी एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा? जी देखिए, कौन लोग ये कहते हैं, कौन लोग ये नहीं कहते कि दो फाड़ हो गए, दो फाड़ तो वो लोग हुए पड़े हैं कि जो स्वर्ण समाज की बात करने में भी अपने कदम पीछे हटाते हैं, जिनको डर लगता है स्वर्ण समाज के अधिकारों की बात करने में, दो फाड़ तो वो लोग। हम लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे, जेलों में हम लोग रहे तो इस बात का प्रमाण है कि स्वर्ण समाज ना कभी दो फाड़ हुआ था, ना हुआ है और ना कभी होगा, और मजबूती के साथ हम लोग आगे मजबूती के साथ आगे लड़ाई लड़ेंगे। इन राजनीतिक दलों को जिस भी भाषा में अब जवाब देना होगा, हम उस भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हैं। जो भी बड़ा हम लोग अब आगे तैयारी करेंगे, अगर हमारा समाज बोलेगा कि 68 सीटों पर हम लोगों को उतरना है तो हम लोग उतरेंगे, 1% भी कदम पीछे नहीं हटाएंगे, 1% भी कदम पीछे नहीं हटाएंगे। हमारा अगर आपके लोग कहते हैं तो 68 सीटों पर उतरेंगे, लेकिन जब आपने ये ऐलान मां शिमला में किया था तब भी कुछ लोगों ने कहा कि हम तो अपने मांग के लिए आए थे, इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं, पार्टी बनाने के लिए, राजनीति करने के लिए। देखिए, बात ऐसी है कि जब बात आप लड़ाई की बात कर रहे हैं, जब अधिकारों की लड़ाई की जब बात होती है, तो जब अधिकारों की जब लड़ाई लड़ते हैं तो अधिकारों को पूरा करवाना भी हमारा कर्तव्य है। अगर हमारे समाज ने हमारे नेतृत्व के ऊपर अपना विश्वास जताया है, अगर हमारे समाज ने हमारी बात के ऊपर, हमारे वचन के ऊपर अपना विश्वास जताया है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि किसी भी कीमत पे हम अपने समाज को हताश ना होने दें। अधिकारों की लड़ाई जब लड़ते हैं तो अधिकारों की मांग को पूरा करवाना भी हमारा कर्तव्य है। अगर बाहर बैठ के लड़ाई लड़ी जाएगी तो बाहर बैठ के लड़ाई लड़ेंगे, अंदर बैठ के अगर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी तो मजबूती के साथ अंदर बैठ के लड़ाई लड़ेंगे। और जो भी इस हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर बात स्वर्ण समाज की आती है, और जब बात अंदर बैठने की आती है, हम पहले भी कहते आए हैं और आज फिर से मैं बात दोहराता हूं, ना हम पहले किसी के खिलाफ थे, ना आज हम किसी के खिलाफ हैं, ना आगे हम किसी के खिलाफ होंगे।
हम बात समानता की करते हैं, हम बात सबको एक समान अधिकार देने की करते हैं, तो उस बात को हम लोग मजबूती से उठाएंगे। और जो अन्य वर्ग के लोग भी हैं, उन लोगों ने भूख हड़ताल पर, हमारे सिरमौर के भाई नाहन में भी वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे थे, बिलासपुर वाले स्वारघाट में बैठे थे, बहुत जगह हमारे सोलन में अनुसूचित जाति समाज के अन्य वर्गों के लोगों ने हमारा पूर्ण सहयोग दिया है, वो हमारी भूख हड़ताल में वो शामिल हुए हैं। तो मेरा ये विश्वास है कि जब हम लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, इस हिमाचल प्रदेश के 85 लाख लोग हमारे ऊपर विश्वास जताएंगे, हम लोगों को अपना जो भी पूर्ण रूप से उनका समर्थन की आवश्यकता हमें पड़ेगी, हम अधिकार के साथ उनका समर्थन लेंगे। और अब अंतिम शब्दों में बस यही बात शूलिनी माता के चरणों से कहना चाहता हूँ कि मेरे हिमाचल प्रदेश के 85 लाख प्रदेशवासियों, आप लोगों के अधिकारों के लिए, आप लोगों के अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए, अपने स्वर्ण समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ने को के लिए हम लोग आ रहे हैं, मजबूती के साथ आ रहे हैं, आंधी तूफान बन के, सुनामी बन के आ रहे हैं, आप लोगों का पूर्ण सहयोग चाहिए, पूर्ण आशीर्वाद चाहिए। और ताकि ये सुनामी ऐसे उन सभी लोगों को अपने साथ उड़ा के ले चले जिन्होंने 51 साल में इस हिमाचल प्रदेश को मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया है। रुबी जी, ये तय हो गया है कि चुनाव इस बार 68 सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे। इस हिमाचल प्रदेश के 62 लाख लोगों के साथ साथ अभी हिमाचल प्रदेश में जो अन्य वर्ग है, अभी मेरे को लगता है कि 3-4 दिन में हम लोग ये इस बात का ऐलान करेंगे कि इस लड़ाई को अब किस प्रकार से आगे लड़ाना। ये जो जितने हमारे लोग जेलों में रहे, ये जेलों में रहे तो किसी खुशी के साथ जेलों में नहीं रहे, एक संकल्प लेकर हम लोग अंदर से बाहर आए और एक बहुत बड़ा विजन लेकर हम लोग अंदर से बाहर आए। जिन्होंने अत्याचार करने थे उन्होंने अत्याचार कर लिए, जिन्होंने हम लोगों को डराने का, दबाने का प्रयास करना था उन लोगों ने अपने प्रयास कर लिए, लेकिन अब जब उन्होंने अपनी पारी खेल ली तो अब हमारी पारी की भी तो बात बारी शुरू होती, हमारा नंबर भी तो आएगा। उन लोगों ने जहाँ पे रिजर्व है वहाँ क्या आप अनुसूचित जाति के साथ जी, देखिए मैंने आपको एक बात कही कि अन्य वर्गों ने हम लोगों को भरपूर समर्थन अपना दिया है, शायद आप लोग मीडिया बंधु भी उस बात का प्रमाण है कि बहुत सारी जगह लोगों ने हम लोगों को कहीं पर धन से आवश्यकता करी, अनशन पर बैठकर सहायता करी, लोगों को साथ लाकर सहायता करी। तो इस बात से हम लोग 1% भी ये बात नहीं मानते कि जो अन्य वर्ग है वो हमसे अछूते या वो हमसे दूर है। स्पष्ट कहना है कि वो अनुसूचित जाति के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए अनुसूचित जाति, एक मैं आपकी एक बात थोड़ी सी मैं ठीक कर देता हूँ कि अनुसूचित जाति जो समाज है कोई अलग समाज नहीं, इस हिमाचल प्रदेश के 85 लाख लोगों में शामिल होने वाले वो लोग हैं और हमारे ही लोग हैं, हमारा लोग हैं, हमारे ही इस हिमाचल प्रदेश के वासी हैं। जाति में बांटना, हम अपने अधिकारों के बात लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है, लेकिन किसी भी वर्ग को हम अगर जाति के नाम से अगर हम लोग उनको ये करें कि नहीं ये लोग हैं, ना हमारे विचार पहले थे, ना आज है और ना कभी होंगे, वो लोग हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। हमारी बिल्कुल सीधा है कि जाति विशेष से हमारी कोई नॉट ऑन पेपर, पहला और आखिरी मकसद यही है। क्या बात है, हो गया अभी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने, धन्यवाद।